ग्वालियर में मास्क न लगाने वालों पर कार्रवाई करने निकले एसडीएम को सड़क पर अफसरी दिखाना महंगा पड़ गया। सड़क पर अमर्यादित आचरण करने पर एसडीएम के खिलाफ कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटा दिया है। एसडीएम अनिल बनवारिया ने फूलबाग पर टेम्पो में बैठे युवक को मास्क न लगाने पर उसके बाल पकड़कर खींच दिया, जिसका फोटो वायरल हो गया। इसके कुछ ही घंटों बाद फूलबाग गुरुद्वारे के पास सिंघाड़े के ठेले वाले को सड़क पर खड़ा देख पहले तो टोका और गुस्से में आकर एसडीएम साहब ने ठेले पर रखा पानी मग से ठेले वाले के मुंह पर फेंक दिया। ठेले वाले पर पानी फेंकने का वीडियो भी वायरल हो गया और कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने इस वीडियो को ट्वीट कर दिया। ट्वीट में एसडीएम को तानाशाह बताया गया। इसके बाद मामला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचा और तुरंत कलेक्टर के पास भी पहुंचे। तत्काल कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर अनिल बनवारिया को झांसी रोड एसडीएम पद से मुक्त कर एसडीएम ऑफिस में अटैच कर दिया। अपनी सफाई में अनिल बनवारिया ने कहा कि टेम्पो में सवार युवक बिना मास्क लगाए था और उसे पुलिसकर्मी से बुलवाया तो वो नहीं आया, उसे पीछे से पकड़कर बाहर उतार रहा था। इसके बाद ठेले वाले को रोड पर ठेला लगाने को लेकर टोका था और साइड से जाने को कहते हुए पानी के छींटे मारे थे। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए आई एम कोरोना सोल्जर .com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।